हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो गाइस, कल हम रात को हम रुके थे सोनप्रयाग में, और वहाँ मतलब पूरा रुकने का और खाने का फ्री था। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि हम कहाँ रुके थे। ये देखिए, यहाँ हम रुके थे, यहाँ भंडारा चल रहा है 10 मई से प्रभु इच्छा तक, और यहाँ रुकने का और खाने पीने का पूरा बंदोबस्त था। सुबह हमें यहाँ चाय भी मिली, टोस्ट भी मिला, रात में खाना भी मिला, कंबल भी मिला, सब फ्री में। तो गाइस, अब हम यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम जाएंगे गौरीकुंड, उसके बाद जाएंगे केदारनाथ। तो चलो आगे चलते हैं। तो गाइस, हम निकल रहे हैं और आप देख ही सकते हैं वहाँ पर कितनी भीड़ है। ये देखिए, अभी 7:15 बज रहे हैं, और जहाँ हम रुके थे वहाँ लोग 2 से 2:30 बजे ही निकल गए थे रात में। तो आप सोचो अभी यहाँ इतनी भीड़ है। और अभी भाई, ये पार्किंग देख रहे हो, ये मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ मतलब हमें पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली थी। इतनी बड़ी पार्किंग है लेकिन जगह नहीं है यहाँ पार्किंग की। सोचो कितनी भीड़ है यार। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन हमने अपना चेक करवा लिया, तो हम निकल रहे हैं। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है ना, बहुत भीड़ है। और सब चीज़ें पता है इतनी महंगी है। पार्ले जी का बिस्किट जो 5 का है वो 10 में है, बोतल जो 20 की है वो 50 में है यार। चलो खैर, कोई नहीं, चलते हैं। सिया को देखो, सिया कितने मौज में है। ये देखो सिया को, कितनी खुश है। तो गाइस, चलो चलते हैं भाई। और वो है टैक्सी की जगह, वहाँ हमें टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। फिर गौरीकुंड से हम स्टार्ट करेंगे। और व्यू देख रहे हो आप इधर, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गाइस, हम टैक्सी में बैठ गए हैं, हम गौरीकुंड जा रहे हैं। हम नज़ारा देखो यार, एक बार भीड़ है। ये बंद दिया है ऐसे ही, उन्हें अपने पोते की याद आ रही थी, मेरी आंटी, उन्हें ऐसी अच्छी लगी सी है पूछो पर। तो गाइस, चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं और ट्रैक अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप वीडियो में बने रहिए। बस अब हर हर महादेव का नाम लेके चले जाएंगे। सिया भी जा रही है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर सिया। ये देखो, इसको नींद नहीं आ रही है, 5 बजे की जगी हुई है बट इसको नींद नहीं आ रही। तो चलो चले, अभी तो 16 किलोमीटर दूर है यार, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। हालत ख़राब हो रखी है, बार बार फिसल गए हैं। तो अगर आपके पैरों में दम है, आप में सामर्थ्य है भाई,
तो ही आए, किसी को दिक्कत है तो बात अलग है, बट अगर आपका आपके अंदर दम है तो ही आए। वैसे जो यात्रा करने का मजा है वो पैदल ही है। बाकी हर हर महादेव। गाइस पहुंच गए हैं, मतलब केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हमने केवल 4 या 5 किलोमीटर ही पार कर पाया इतनी देर में। माइलस्टोन में तो लिखा है 11 किलोमीटर, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो 17-18 किलोमीटर बाकी है। तो अभी हम कुछ खाने के लिए रुके, बहुत भूख लग रही थी, तो हमने पढ़ा था और चाय ऑर्डर करी है। सिया भी सो गई बेचारी घोड़े देखते देखते, तो बस खा के फिर निकलते हैं। देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि यार मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यार कितनी भीड़ जा रही है, बहुत भीड़ है, बहुत घोड़े जा रहे हैं। घोड़ों की वजह से ना बिल्कुल भी रास्ते ही नहीं मिल रहा है जाने का, तो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि फिर हमें टेंट भी लेना है, टेंट का भी देखना है कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो चलो निकलते हैं फिर आगे। यहाँ से केदारनाथ रह गया 9 किलोमीटर और अभी शायद 3 बजने वाले हैं। देखो हम कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि बीच में ना मौसम ख़राब हो गया था, बारिश होने लगी थी, तो अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं, थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट, फिर आगे निकलते हैं। बहुत भीड़ है यार, सच में बहुत भीड़ है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइस प्लान में यार थोड़ा चेंज आ गया, हम केदारनाथ अभी नहीं पहुँचे, अभी 5-6 किलोमीटर दूर है केदारनाथ। चेंज इसलिए आया क्योंकि यार बहुत तेज़ बारिश होने लगी। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो अभी आपको दिख रहा हो शायद, तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई और ओले भी गिर रही थी, इस वजह से हमें प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ा। हमने फिर टेंट लिया है, यहाँ पे सिया को सलाह दिया है, 500 रुपये में हमें टेंट मिला है 2 जनों का। तो अब हम आज यहीं रुकेंगे, उसके बाद कल सुबह निकलेंगे, तब कल सुबह केदारनाथ जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप और बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो।